हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा गूगल प्ले स्टोर में जो पेमेंट मेथड होता है उस पेमेंट मेथड को आप प्ले स्टोर से कैसे रिमूव करें या फिर कैसे डिलीट करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है गूगल प्ले स्टोर का कोई भी पूरा परचेस करने के लिए आपको गूगल को पेमेंट करना पड़ता है और इसलिए आपको बहुत सा पेमेंट मेथड है, लाइक नेट बैंकिंग है, लाइक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, लाइक रिडीम कोड है, लाइक यूपीआई आईडी है। तो बहुत सारा तरीका होता है आपको पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद पेमेंट करने के बाद, बट प्रॉब्लम यही आती है जब आपका जरूरत पड़ता है आप कोई पेमेंट मेथड को रिमूव कैसे करें वो भी आपको पता नहीं चलता है। तो आज इस वीडियो में बता दूंगा सिर्फ एक क्लिक में किस तरह से कोई भी पेमेंट मेथड को गूगल प्ले स्टोर से आप डिलीट कर सकते हो। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में समझ दूंगा। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जायरा। सो फिर आपको बता दूं, जायरा इंडिया का मोस्ट टॉप वन ई कॉमर्स शॉपिंग साइट है जहाँ पे मिलेगा आपका शॉपिंग का भरपूर सुविधा, चाहे मैन फैशन हो या वुमेन फैशन हो, चाहे बेबी किड्स हो या किड्स हो या कुछ भी ज्वेलरी हो, शूज हो, बैग हो, लगेज हो, कोई भी प्रोडक्ट को आप जायरा से ऑर्डर कर सकते हो। सबसे पहले बता दूं जायरा को आपको क्यों चूज करना है। नंबर वन पॉइंट, जायरा में मिलेगा आपको कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा। जायरा से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो वो कितना की प्राइस भी हो सकता है, सब प्रोडक्ट का मिलेगा कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा जो अदर्स कोई ई कॉमर्स साइट में नहीं मिलता है। नंबर टू पॉइंट होता है यहाँ पे फ्री शिपिंग का सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जायरा से ऑर्डर करो तो आपका एक रुपया भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में वो प्रोडक्ट आपका घर तक डिलीवरी हो जाएगा। नंबर थ्री पॉइंट होता है 7 डेज का इजी रिटर्न पॉलिसी। आपका कुछ भी क्वालिटी हो चाहे 7 डेज का अंदर ना प्रोडक्ट को रिटर्न एंड रिफंड कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी क्वेश्चन। इसे साथ साथ जायरा में मिलेगा 5 लाख से ऊपर ब्रांडेड न्यू प्रोडक्ट का कलेक्शन और डेली 5000 से ऊपर प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टिंग होता है। अगर कंपेयर करो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आदर्श कोई भी ई कॉमर्स साइट से इसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी बहुत ही सस्ता है। सो गाइस, आप अगर मेल हो, फीमेल हो, बेबी की से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो जायरा को चूज कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जायरा का शॉपिंग लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इस साइट को एक्सप्लोर कर लीजिए। आपका कोई भी प्रोडक्ट पसंद तो उसको ऑर्डर कर लीजिए। जायरा रिलेटेड कोई भी इशू है या क्वारी से आप चाहो तो जायरा के साथ व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, तो व्हाट्सएप नंबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ जायरा का एक शॉपिंग ग्रुप भी है, उसका भी लिंक दे दूंगा, ग्रुप में भी ज्वाइन करो, वहाँ पे रेगुलर आपका टॉप टॉप प्रोडक्ट का अपडेट मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आप बात आता है किस तरह से आप प्ले स्टोर से पेमेंट मेथड को रिमूव कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि इस चैनल पे मैं गूगल प्ले स्टोर के बारे में बहुत सा वीडियो अपलोड किया था, जैसे कि बता दिया था रिडीम कोड को यूज करके किस तरह से पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो या प्ले स्टोर में पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए बता दिया था यूपीआई को किस तरह से ऐड कर सकते हो। मुझे पता है बहुत लोग का यूपीआई ऐड करने में प्रॉब्लम आता है। सो गाइस, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हो, इसके लिए बहुत सा वीडियो मेरा चैनल पे है जो कि ऊपर का आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हो। नहीं तो इस चैनल का एक प्लेलिस्ट है गूगल प्ले स्टोर, उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, उसी वीडियो में बहुत सा यूजर ने, बहुत सा फ्रेंड ने मुझे एक कमेंट किया था, भाई पेमेंट मेथड तो मुझे ऐड हो चुका है बट उसको रिमूव कैसे कर, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। सो गाइस, इसलिए मुझे लगा था कि आपका जो प्रॉब्लम वो मेरा सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ आपका जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करो, मैं उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल दूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट किया था मुझे इस वीडियो का ऊपर टेक बनाने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। आई होप वीडियो आपका पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करना, आप फ्रेंड का शेयर कर देना। चैनल पे नया है जो सब्सक्राइब नहीं किया था अभी के वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में जो घंटा आएगा उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले इस चैनल पे देखने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू कर लेते आज का वीडियो। मैं हूँ जॉय, आप देखते रहो स्मार्ट वर्क लाइट। सो गाइस, मैंने प्ले स्टोर ऐप डाउन को ओपन कर लिया था, आप भी आपका फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद 3 जो लाइन है 3 लाइन में क्लिक करें, उसके बाद पेमेंट मेथड ऑप्शन में जाइए। तो पेमेंट मेथड ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने बहुत सा पेमेंट मेथड मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
एंड एक बैंक अकाउंट को सिलेक्ट लिंक किया था एंड भीम यूपीआई को सिलेक्ट किया था। आप चाहो तो और यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में देखो आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो यूपीआई भीम यूपीआई भी ऐड कर सकते हो, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, नहीं तो नेट बैंकिंग ऐड कर सकते हो, नहीं तो रिडीम कोड ऐड कर सकते हो। तो मैं रिडीम कोड से बहुत सा वीडियो बना दिया था, जैसे पेटीएम, फोनपे, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल थैंक्स, ठीक है, 6 से 7 वीडियो मैंने रिडीम कोड के ऊपर बना दिया था। तो ऊपर में आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना अगर आप रिडीम कोड के बारे में जानना चाहते हो। उसके बाद अगर आप भीम यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हो, इसका लेकर भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया था जो कि आपका ऊपर में आई बटन में मिल जाएगा, भीम यूपीआई को कैसे ऐड करना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, इस दोनों के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं ये दोनों का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैं भीम यूपीआई को सिलेक्ट किया था, @paytm का यूपीआई सिलेक्ट किया था, इसको मुझे हटाना है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटाना है। आज इस वीडियो में बता दूंगा किस तरह से पेमेंट मेथड को आप डिलीट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपको पूरा नीचे आना है और यहाँ पे देखो ऑप्शन है मोर पेमेंट सेटिंग। मोर पेमेंट सेटिंग में आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपका फोन में एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा एंड गूगल का साइट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैलेंस भी शो होगा, मेरे पास अभी 10 रुपीज बैलेंस भी है, कितना बैलेंस है वो भी अभी शो होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आप पेमेंट मेथड ऐड किया था वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे देखिए देखो मेरा स्मार्ट वर्क लाइव मेरा चैनल है @paytm, ये मेरा जो UPI ID यहाँ पे ऐड है। सिंपल से आप चाहो तो पेमेंट मेथड ऐड या से भी कर सकते हो ऐड पेमेंट मेथड में ऑप्शन में, बट मुझे करना है रिमूव या डिलीट। तो ये जो ऑप्शन है रिमूव ऑप्शन, तो रिमूव में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कंफर्म करना चाहते हो कि आप इस पेटीएम नंबर का UPI को आप डिलीट करना चाहते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव में मैं क्लिक किया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे वो रिमूव हो चुका है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। मैं इसको आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद भी दिखा देता हूँ, थोड़ा इसको बैक करो। उसके बाद फिर से दोबारा पेमेंट मेथड में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो वो जो UPI जो ऑप्शन है वो हट चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार में आपको कोई भी पेमेंट मेथड को प्ले स्टोर से आप रिमूव कर सकते हो चुटकी में। सो फ्रेंड, मेरा उम्मीद है आपका ये वीडियो पसंद आया था, पसंद वीडियो लाइक कर देना। इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो गूगल प्ले स्टोर के बारे में, जो कि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इस चैनल पे मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया था गूगल प्ले स्टोर नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सा वीडियोस मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू सो मच।